हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के नीटिंग क्रिएशन। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन लेके आई हूँ। ये डिजाइन हमारा जिग जैग में बन के नजर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए हम 5 के मल्टीपल में फंदे लेंगे तो हमारा ये डिजाइन सही से सेटल हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, इस डिजाइन को आप जेंट स्वेटर में, जेंट जैकेट में, बेबी स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, किसी में भी डालिए, उसी में ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा। डिजाइन बनाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने ये 5 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं, जैसे 5, फिर से 5, फिर से 5, फिर से 5, फिर से 5। इसमें हमारा कोई एक्स्ट्रा फंदा नहीं डलेगा। तो अब हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो धागा पीछे रखेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5। फिर धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3, 4, 5। फिर धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर धागा आगे करेंगे और लास्ट के ये 5 फंदे उल्टे ही बना देंगे। ये हमारी फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम सेकंड रो पे। सेकंड रो पे देखिएगा फ्रेंड्स, जो फंदे यहाँ से उल्टे थे सीधी तरफ से, वे बैक साइड से सीधे बनेंगे। तो यहाँ से हमारे अब 5 फंदे सीधे, 5 उल्टे, ऐसे बना के इस पूरी रो को पूरा कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड रो बन के तैयार हुई। अब आएंगे हम थर्ड रो पे। थर्ड रो पे जैसे हमारी यहाँ पे अब 5 फंदे थे, अब की बार हम यहाँ पे 4 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब ये एक फंदा सीधा छोड़ देंगे, धागा आगे करेंगे, अब यहीं से सीधे फंदे से उल्टे फंदे बनाने शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 4 फंदे सीधे बना के अब फिर वहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे उल्टे। अब ये एक उल्टा बच गया, यहाँ से सीधे बनेंगे 5 फंदे। सिर्फ यहाँ स्टार्ट में आपने ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे फर्स्ट रो में 5 फंदे थे और थर्ड रो में यहाँ पे 4 फंदे बनाएंगे। आगे पैटर्न सेम रहेगा, 5 फंदे उल्टे, 5 सीधे, ऐसे ही बना के इस रो को। अब ये लास्ट के फंदे 1, 2 और ये 3, 4 और 5, 5 फंदे उल्टे बन गए। अब हमारा ये थर्ड रो में एक फंदा बचेगा तो इसको यहाँ पे सीधा बनाएंगे। यहाँ से हमारी अगली ये डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा, एक फंदा सीधा। ये यहाँ से कम था, जैसे यहाँ पे 4 थे तो एक फंदा भी यहाँ पे आ गया। अब आएंगे हम बैक साइड में फोर्थ रो पे। तो ये फंदा यहाँ से सीधा है तो बैक साइड से उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, अब फिर वही 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 फंदे सीधे, फिर 5 उल्टे, ऐसे ही बना के इस फोर्थ रो को पूरा। अब आ गए हम सीधे तरफ 5वीं सिलाई में। तो पहले हड़ा यहाँ पे हमारे फर्स्ट रो में 5 फंदे थे, थर्ड रो में हमारे 4 फंदे थे, अब की बार यहाँ पे 3 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर उल्टे फंदे बनाने शुरू करेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, धागा पीछे करेंगे और फिर 5 फंदे सीधे, 2, 3, 4, 5, धागा आगे, 5 फंदे फिर उल्टे, 1
दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे, फिर से पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा आगे, फिर पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार और पांच। अब हमारे यहाँ पे दो फंदे हैं, एक उल्टा एक सीधा, तो इन दोनों को सीधा बनाएंगे। ये हमारी फिफ्थ रो है, ये यहाँ पे हमारे दो फंदे सीधे बन गए। अब आएंगे बैक साइड में, बैक साइड में जो फंदा जैसा दिखाई देगा वैसे ही बना के इस रो को पूरा करेंगे। अब आ गए हम सीधी तरफ सातवें सिलाई में, तो अब यहाँ पे ये हमारे तीन फंदे सीधे, इनमें से हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से वही पांच फंदे उल्टे, दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे और पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा आगे, फिर से पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा पीछे और पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा आगे, पांच फंदे फिर उल्टे, एक, दो, तीन, चार और पांच, धागा पीछे। अब हमारे ये एक फंदा और बढ़ गया, तो यहाँ पे तीन बन जाएंगे सीधे, एक, दो, तीन। ये हमारी सातवीं सिलाई बन के आई और हमारा डिजाइन देखिएगा फ्रेंड्स बन के नजर आने लगा। अब आएंगे हम आठवीं सिलाई पर, जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको वैसा ही बना के पूरा करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये बैक साइड से सिलाई बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम सीधी तरफ, अब हमारे ये दो फंदे हैं, इनमें से हम एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक, धागा अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदे फिर उल्टे। आगे का पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा, पांच फंदे उल्टे पांच सीधे, चार, पांच, धागा पीछे, फिर पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर धागा आगे और पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा अपनी तरफ, फिर पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब धागा पीछे, अब हमारे यहाँ पे चार फंदे हैं, एक उल्टा है तीन सीधे, तो चारों को हम सीधा बना देंगे, दो, तीन, चार। अब बैक देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारा ये डिजाइन ऐसे नजर आने लगा। अब आएंगे हम बैक साइड में, बैक साइड से जो फंदा जैसा दिखाई देगा वैसा ही बना के रो को पूरा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हम, देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए हम सीधी तरफ। ये हमारी 10 सिलाइयां बन के कंप्लीट हुई। अब हमारा ये डिजाइन ऐसे राइट साइड में जाए था, ऐसे राइट में जाता है। अब हम इसको लेफ्ट में करेंगे, ये हमारा जिक जैक में बन के आएगा, ऐसे, फिर से ऐसे, फिर से ऐसे, ऐसे बनते जाएगा। तो अब हम यहाँ पे, जब हमारा ये एक फंदा रह जाएगा, तो यहाँ पे हम डिजाइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अब हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और दो, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से वही पांच फंदे उल्टे, दो, तीन, चार। पहले हमने ये राइट साइड में ऐसे जिक जैक बनाया था, तो यहाँ पे हम इस सीधे फंदे पे इस साइड में बढ़े थे। अब की बार हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो ये यहाँ पे दो फंदे बना के सीधे स्टार्ट करेंगे दोबारा से, तो चार फंदे उल्टे, एक, ये पांच, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से पांच फंदे सीधे, दो, तीन, चार और पांच। अब ये हमारा
लेफ्ट साइड में जाने लगेगा जिग जैग में, धागा अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदे फिर उल्टे, चार, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे ही बनाते जाएंगे, पांच उल्टे पांच सीधे। सिर्फ यहां पे डिजाइन में जैसे हमने स्टार्ट में किया था फर्स्ट रो में, यहां तो पहले हमारे पांच थे, फिर हमने चार लिए, फिर तीन लिए, फिर दो, फिर एक। अब यहाँ पे एक फंदा था तो अब हमारे यहाँ पे दो सीधे बनाएंगे, फिर पांच उल्टे पांच सीधे बनाते जाएंगे, अगले में फिर यहाँ पे तीन फंदे सीधे, ऐसे ही बना के इसको पूरा जिग जैग में बना के कंप्लीट करेंगे और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा। ऐसे देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और मेरा डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। थैंक यू।